What is CMA? कहा जाता है behind every successful business decision there is always a CMA. Anyone can do CMA. 28 लाख maximum package अभी तक गया है. What is CMA? दोस्तों CMA क्या होता है? CMA means cost and management accountant. और ये कहा जाता है behind every successful business decision there is always a CMA. दोस्तों CMA क्या होता है? CMA कौन कर सकता है? CMA करने के बाद benefits यानी कि आपको job opportunities कौन कौन सी available हो सकती हैं, इसके अलावा अगर आप practice में जाना चाहते हो तो वो कौन से options हो सकते हैं जिसमें आप practice कर सकते हो, अपना business खोल सकते हो, अपना startup कर सकते हो, या फिर आप lecturer या फिर teaching academics में जाना चाहते हो, ये सारी बातें CMA से related. इसके अलावा CMA का eligibility criteria क्या है कि CMA कौन कर सकता है, कौन eligible है CMA करने के, और कौन सी opportunities, कौन सी companies होती हैं, कितना package लगता है, प्रोस्पेक्टस क्या है CMA का, CMA कहां से करनी है, एडमिशन कैसे लेना है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले CMA का मतलब क्या होता है. दोस्तों CMA मींस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जिसमें आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती हैं. कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार. तो ये आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं. मैं आपको बता दूं CMA का करियर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. या तो आप प्रैक्टिस में जा सकते हो या फिर आप सर्विस में जा सकते हो. सर्विस में जाओगे तो आप इंडस्ट्री लेवल पे भी काम कर सकते हो और अकेडमिया में भी जा सकते हो. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में CMA के पास ये रोल्स होते हैं जैसे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल, टैक्स मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट एनालिस्ट, पोर्टफोलियो ERP, प्रोसेस एनालिसिस, इंप्लीमेंटिंग बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स. अकेडमिक अपॉर्चुनिटीज में आप प्रोफेसर बन सकते हो अकाउंटिंग और फाइनेंस में, और अपॉर्चुनिटीज आपके पास PhD करने की भी अवेलेबल है. क्यों? क्योंकि जो CMA की डिग्री है वो इक्विवेलेंट मानी जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन के एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC. उसको PG के इक्वल मानता है. अब प्रैक्टिस की बात आती है तो प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो. दोस्तों अगर आप CMA करने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस में आप कॉस्ट ऑडिट, GST ऑडिट, कस्टम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्वेयर, कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर, ट्रस्टी एग्जीक्यूटर, असाइनमेंट्स बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, कोर्ट ऑफ लॉ, इसके अलावा ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, इंटरनल ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो. ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है CMA के पास. क्वेश्चन ये उठता है कि CMA कितने टाइम में किया जाए. दोस्तों CMA करने के लिए मिनिमम 3.5 ईयर्स से लेके 3.5 से लेके 4 साल तक आपको लग सकते हैं. ये मिनिमम है डिपेंडिंग ऑन द केस, क्योंकि आप कितनी भी बार CMA का एग्जाम दे सकते हो. लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, कोई एज लिमिट नहीं है. कोई भी CMA कर सकता है. एनीवन कैन डू CMA आफ्टर 12th, बट एक्सेप्ट फॉर सम पीपल. ठीक है, वो कौन होते हैं मैं आपको बताता हूं. CMA के तीन लेवल होते हैं, CMA फाउंडेशन, CMA इंटरमीडिएट और CMA फाइनल. फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं. ये आपका CMA का फ्लो चार्ट. सबसे पहले आपको फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए 10th पास करनी होगी, लेकिन आप सिर्फ एडमिशन ले सकते हो फाउंडेशन में, फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते. फाउंडेशन का एग्जाम MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, उसको अपीयर करने के लिए आपको 12th पास करनी होगी. एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए तभी आप CMA फाउंडेशन का एग्जाम दे पाओगे. और जैसे आप फाउंडेशन क्वालिफाई करते हो आप इंटरमीडिएट लेवल में एडमिशन ले सकते हो CMA के. तो फाउंडेशन क्वालिफाई करने के लिए आप फाउंडेशन एग्जाम में अपीयर करने के लिए आपको 12th पास करना जरूरी है. अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मुझे फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना, डायरेक्ट एडमिशन लेना है इंटरमीडिएट लेवल पे, तो मैं क्या करूं. CMA इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है. कौन सी? पहला, या तो आप किसी भी फॉर्म में ग्रेजुएट हो, फॉर एग्जाम्पल BCOM. ठीक है, सिर्फ आर्ट्स एंड म्यूजिक, फाइन आर्ट्स से आप ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए, क्योंकि तब आप CMA नहीं कर पाओगे, आपका बेस नहीं होगा अकाउंट्स का. तो पॉइंट इज आप ग्रेजुएट हो सकते हो किसी भी डिसिप्लिन में अदर देन फाइन आर्ट्स. इसके अलावा अगर आपने कैट लेवल क्वालिफाई किया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का. अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कौन है? दोस्तों यहीं से CMA की जाती है. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जहां से आप CMA कर सकते हो. तो इंस्टीट्यूट कौन है, क्या है, मैं आपको बता देता हूं. इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है. दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बॉडी मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की, और एशिया की नंबर 1 बॉडी. इंस्टीट्यूट का नेटवर्क दोस्तों बहुत बड़ा है. इंस्टीट्यूट
में 90,000 क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ, 90,000 में मैं भी एक हूँ, ठीक है। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के पास, इंस्टीट्यूट के 4 रीजनल हेड ऑफिस है दोस्तों, जिसमें कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई, मुंबई शामिल हैं, ठीक है। 113 चैप्टर्स जो खोले गए हैं हर शहर में इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। 61 सपोर्ट सेंटर हैं, 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, 382 ओरल कोचिंग सेंटर्स हैं, 11 ओवरसीज यानी कि हिंदुस्तान के बाहर भी सेंटर्स मौजूद हैं, और 112 एग्जाम सेंटर ओवरऑल इंडिया में ओवरसीज मिला के मौजूद हैं। अब मैं वापस आपको लेके चलता हूँ इंटरमीडिएट लेवल पे। मैं आपको बताया था ग्रेजुएट आप किसी भी डिसिप्लिन में हो या फिर आप सीए इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस कर चुके हो तो आप इंटरमीडिएट लेवल क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम अपीयर कर सकते हो। अब बात आती है इंटरमीडिएट लेवल की। इंटरमीडिएट लेवल दोस्तों ओरल पोस्टल दोनों तरीके से हो सकता है। इंटरमीडिएट लेवल में आपके 2 ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और फाइनल लेवल में भी 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 3 ग्रुप 4, जिसमें 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल में जो ग्रुप्स होते हैं उसके एग्जाम में अपेयर करने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। वो ट्रेनिंग्स कौन सी होती हैं देखते हैं। उन ट्रेनिंग्स के अंदर ये कंपलसरी ट्रेनिंग्स हैं, SAP फाइनेंस पावर यूजर जो 60 घंटे की ट्रेनिंग होती है, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल 20 घंटे की होती है, ई फाइलिंग 20 घंटे, और ऑनलाइन ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है इंस्टीट्यूट से 140 घंटे का, तब जाके आप इंटरमीडिएट में एग्जामिनेशन अपीयर कर पाओगे, बोथ ग्रुप्स या फिर आपका कोई भी एक ग्रुप रहता है तो 2 ग्रुप होते हैं ना, तो दोनों में से एक या सिंगल या बोथ आप दे सकते हो। इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद आप एनरोल कर सकते हो फाइनल लेवल के लिए, और फाइनल लेवल में अपीयर करने से पहले आपको इन ट्रेनिंग्स में जाना पड़ेगा। कौन सी ट्रेनिंग्स? इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम IOTP 7 डेज का होता है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की। ये किसी एक CMA के अंडर में आप कर सकते हो दोस्तों। CMA के अंडर में करना जरूरी नहीं है, अगर आप जॉब भी करते हो एक स्पेसिफिक फील्ड से, फॉर एग्जांपल फाइनेंस की फील्ड, तो भी आप ये ट्रेनिंग कर सकते हो, यानी कि आप जॉब में भी हो तो वो भी ट्रेनिंग ही काउंट होगी। मिनिमम 15 मंथ्स की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है तभी आप एग्जाम में अपेयर कर पाओगे। लेकिन अगर आपको इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप चाहिए, नाम के पीछे CMA लगाना है, तो आपको 3 साल की कम से कम ट्रेनिंग करनी होगी, तब आप जाके फाइनल क्वालिफाई कर पाओगे। फाइनल क्वालिफाई करने के बाद अगर आपकी 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन सकते हो, और फाइनली आप मेंबर बन जाओगे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फाउंडेशन और इंटर और फाइनल को अपीयर कैसे किया जाए। पहले बात देखते हैं फाउंडेशन कोर्स की। CMA फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए आप जानते हो आपको 12th पास करनी है, तभी आप फाउंडेशन में अपीयर कर पाओगे। उसके बाद आप इंटर लेवल पर रजिस्ट्रेशन करते हो, एलिजिबिलिटी आपकी 10+2 होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडिएट लेवल क्लियर किया है, यानी कि CA इंटर, या फिर आप CS का एग्जाम क्लियर कर चुके हो फाउंडेशन का, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेने के लिए दोस्तों प्रोस्पेक्टस इंस्टीट्यूट ने दे दिया है, प्रोस्पेक्टस 250 रुपए का प्रोस्पेक्टस होता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन भी। सपोर्ट सेंटर इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करे हैं। कम से कम 4 महीने पहले आपको एडमिशन लेना होता है। 4 महीने पहले का मतलब अगर आपको जून में एग्जाम देना है, क्योंकि एग्जाम 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में, अगर आपको जून में एग्जाम देना है तो आप 31 जनवरी तक एडमिशन ले सकते हो, अगर आपको दिसंबर में एग्जाम देना है तो आप 31 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हो सेम ईयर में। करते हैं सैलरी पैकेज की। CMA का सैलरी पैकेज क्या होता है, कितनी इनकम आप अर्न कर सकते हो इन अ जॉब वाइल डूइंग CMA एंड आफ्टर डूइंग CMA, तो ये कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम है इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट जो ऑफर करता है हाईएस्ट सैलरी अभी तक 28 लाख जा चुका है, यहाँ 18 लाख लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 28 लाख मैक्सिमम पैकेज अभी तक गया है, और एवरेज सैलरी 7.5 लाख पर एनम होती है, जो कि एंट्री लेवल पैकेज है। कुछ फेमस कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल, गेल इंडिया, ये सारी कंपनीज के नाम आपने सुने होंगे, ICICI बैंक, इंफोसिस, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, TVS और मॉड, ये सारी कंपनीज हैं जो इंस्टीट्यूट में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। दोस्तों में एक बहुत ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जो कि आप भी कर सकते हो 12th के बाद, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो स्पेशली। इफ अगर आप इस कॉमर्स नहीं है तब भी आप कर सकते हो, बट आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो ये था आपका कोर्स CMA। तो मैं इस रिलेटेड और डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।